चल स्टार्ट करेंगे आज वर्क एट हाइट का टॉपिक रहेगा। वर्किंग एट हाइट, ठीक है। इसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे आपको इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और आपका आंसर कैसे होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछता है कि हाइट वर्क के बारे में क्या जानते हो, तो हमारा जितना भी सेफ्टी प्रोफेशनल का बंदा है उनका दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम क्या बोलें कोई इंटरव्यूअर को, हम किस यू में प्रेजेंट कराएं वर्किंग एट हाइट के बारे में बताने, तो समझ में नहीं आता है उन लोग को क्या बताना है। तो पहले वो लोग शुरू कर लेते हैं, हम वर्किंग एट हाइट के लिए ये देखते हैं, लैडर देखते हैं, लाइफ लाइन देखते हैं, फुल बॉडी हार्नेस देखते हैं, जिसका मन में जो आता है वो टोटली बोलते हैं। अगर आप देखने के लिए जाओगे तो वर्किंग एट हाइट में आप जो आंसर दे रहे हो, कोई एजुकेशन इंजीनियर और सोच लो कोई मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अगर आप पूछ लोगे ना, सेम टू सेम आंसर वो बता देगा। कोई गलत बोल रहा हूं? आप भी जो बताए, आप भी बताए, लाइफ लाइन बताए, फुल बॉडी हार्नेस बताए, लैडर बता दिए, सब कुछ बता दिए, स्कैफोल्डिंग बता दीजिए, सेम टू सेम एक एजुकेशन इंजीनियर को अगर आप पूछोगे क्या है वर्किंग एट हाइट में आपको देखना है, सेम टू सेम वो बता दिए। तो आज ये सेफ्टी पर्सनल जो प्रोफेशनल हमारा सेफ्टी में क्या क्या यूज कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, अगर सिक्वेंशियल वाइज नहीं बता पाएंगे तो फायदा क्या है एजुकेशन और EHS में। उनका काम तो अच्छे से कर लिए, क्या काम कर रहे हैं मुझको तो पता है, मगर हम लोग कोई चीज अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कोई इंटरव्यूअर आपको ले गए क्या? आप बताओ, आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हो उसको? आप कोई भी चीज अगर जब बोलते हो ना, हमेशा ध्यान में रखिए आप क्या बोल रहे हो। आप जो स्टार्ट कर रहे हो कोई बेस है उसका, या आप जेनरिक वे में साइट में जो डेली बेसिस में जो काम कर रहे हो उसी के वे में चल रहे हो? जेनरिक वे में कोई चीज नहीं बताने, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि आप वर्किंग एट हाइट में क्या जानते हो, आप क्या बोल सकते हो, आपका आंसर क्या आएगा? कैसे आप, मैं सोच लो इंटरव्यूअर हूं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई दिव्या आपको वर्किंग एट हाइट के बारे में बताइए, वर्किंग एट हाइट में आप क्या देखते हो, आपका आंसर किस हिसाब से होगा? हम बोलेंगे कि फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रिवेंशन, चेक पॉकेट हाइट में उनको देखना है। बोलते जाओ, इंटरव्यू खत्म हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया। कोई इंटरव्यूअर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको एक लाइन बोल के रुको मत। सबसे बड़ा चीज हो जाता है जितना पूछता है क्या देखना है, हमको यही देखना है, एक लाइन में खत्म। वो आपको ये पूछ रहा है आपको हाइट का कितना तक नॉलेज है, ये नहीं बोले आप एक लाइन बोल के रुक जाओ। वो जानना चाह रहा है आप हाइट के बारे में, हाइट का जो काम के बारे में, आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो, वो कल्चर जानना चाह रहा है, किस कल्चर में आप काम कर रहे हो, और वर्किंग एट हाइट का काम में आपका एंगेजमेंट कितना लेवल तक है, और आपका नॉलेज कितना लेवल तक है, और समझ रहे हो जो स्पेसिफिक नॉलेज कितना है, ये सब चीज जानना चाहता है। इसीलिए आपको बोलेंगे आपको क्या देखना है, नॉर्मल आप एक लाइन बोल के रुक जाओगे। कभी भी इंटरव्यूअर को पूछने का मौका दो, कोशिश करो आप उनको हर आंसर प्रोवाइड करो, जैसे उनके पास कम क्वेश्चन बचे पूछने के लिए। यही सबसे बड़ा चीज होता है कि हम मौका देते हैं इंटरव्यूअर को 1000 क्वेश्चन पूछने के लिए, हमको रियलिटी आप एक आंसर ऐसे बताओ जैसे कि उनके पास लिमिटेड क्वेश्चन हो और आपको पूछने के लिए, ये रियलिटी है ना। हम दो लाइन बोल के रुक जाते हैं, वो 1000 क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनका 1000 चीज के में जानना है आपसे, है या नहीं? तो आज हम
ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि वर्किंग एट हाइट में अगर आपको कोई पूछता है तो आपका जो आंसर है किस हिसाब से होना चाहिए। मैं जो चीज बताऊंगा ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा वर्किंग एट हाइट में मास्टर डिग्री किया हूँ, मगर जो बताऊंगा बेसिक ही बताऊंगा। आप इसका एडवांस वर्सन अगर जानना चाहते हो आप रेफरेंस ले सकते हो, बहुत सारा रेफरेंस है, ठीक है, मगर जो बेसिक चीज है जितना जानना है वो आपको जानना ही है। अगर कोई चीज में अगर आपको मास्टर करना है फिर रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी वर्किंग एट हाइट में अगर कोई बात होता है दो चीज के ऊपर डिस्कशन होता है, दो चीज के ऊपर टोटली वर्किंग एट हाइट, ठीक है। तो जब भी हम वर्किंग एट हाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे दो चीज के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे, क्या है, फॉल प्रिवेंशन, फॉल प्रोटेक्शन। अगर ये दोनों चीज के बारे में आपको पूरा पता है तो आपका बेस पूरा क्लियर होगा वर्किंग एट हाइट के बारे में, ठीक है। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं फॉल प्रोटेक्शन क्या है, फॉल प्रोटेक्शन के बारे में। आप बता सकते हो फॉल प्रोटेक्शन ये फॉल प्रिवेंशन के में क्या है, फॉल प्रिवेंशन क्या सोचते हो आप लोग, आप लोगों को क्या लगता है फॉल प्रिवेंशन है क्या? वर्किंग एट हाइट में जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं जैसे हैंड रेलिंग हो गया ये सब, ये वर्ड में बताया आप समझ रहे हो फॉल प्रिवेंशन में मतलब क्या हो सकता है, आपको क्या क्या लग रहा है ऐसा? पहले समझना पड़ेगा बेस, बेस जब तक नहीं समझ पाओगे तब का आंसर नहीं जाएगा। सोच लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कभी भी अगर आप कोई हीरा बनाते हैं, ठीक है, सब कंपनी में हीरा बनाते हैं, आप हीरा बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एरिया का वर्क लोकेशन में जाना पड़ता है, जाके पहले आप स्टडी करते हो। अगर मुझे 20 मीटर में काम करना है मुझे वो एरिया को पूरा देखना है क्या क्या है क्या क्या हो सकता है, पूरा स्टडी करते हो ना, ये स्टडी करते हो। जैसे सेम टू सेम हमारा, आप परमिट देने से पहले आप क्या करते हो, साइट में जाते हो एक 1000 आइडेंटिफिकेशन का सर्वे करते हो क्यों करते हो कि भाई काम शुरू करने से पहले हमारा जो कंपनी का जो सिस्टम बना है वो कुछ सिस्टम है क्या इनबिल्ट, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो प्रोसेस चला पाएंगे, या कौन सा सिस्टम एडिक्वेट सिस्टम है या नहीं, वो एरिया काम करने का लायक है या नहीं, सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं, इसलिए तो आप करते हो, और क्या क्या हजार रिस्क है वो देख लेते हो, यही होता है ना। तो फॉल प्रिवेंशन एक बड़ा टॉपिक है, उसका मतलब क्या है, एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच का होता है, क्या होता है, प्रोएक्टिव, ये रिएक्टिव अप्रोच नहीं होगा। आप काम शुरू करने से पहले ही इसको फॉल प्रिवेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरे साइड में, मुझे अगर कोई पूछेगा फॉल प्रिवेंशन के लिए मेरे साइड में क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि फॉल प्रिवेंशन के लिए मेरा साइड में क्या है ऑलरेडी। जैसे आप काम शुरू करने से पहले आप जाते हो ना, प्री प्लान करते हो ना कोई चीज को, इसीलिए मैं बोला प्रोएक्टिव अप्रोच में होता है हर काम। तो इसमें क्या हो सकता है फॉल प्रिवेंशन में, आपका पूरा कंपनी का सेफ्टी का प्रोसीजर भी है, वर्किंग एट हाइट का प्रोसीजर है, वो फॉलो हो रहा है क्या, वो इसमें आएगा फॉल प्रिवेंशन में, आएगा नहीं आएगा? जो एरिया में काम करने जाओगे वो एरिया का सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, फ्री क्लीन एनवायरमेंट, वो किसमें आएगा, फॉल प्रिवेंशन में आएगा, आएगा नहीं आएगा? आप जितना SOP बना के रखे हो वो किसमें आएगा, फॉल प्रिवेंशन में आएगा। जो एरिया में काम करने के लिए जाओगे प्रॉपर एरिया लाइटिंग फाइटिंग वो कौन देखेगा, जो सेफ एनवायरमेंट में बताया वो भाई वर्किंग एट हाइट का
एक ऑक्जुलरी फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर है, ये सब फैक्टर तो काम देता है ना वहां जाके, जो वर्किंग एरिया 50 मीटर में आप काम करोगे, ये सब को देखते हो ना, प्री प्लान करते हो ना, प्री प्लान का टाइम में फॉल प्रिवेंशन ही है कि आपका एग्जिस्टिंग साइट में क्या है ये सब। और इंजीनियरिंग कंट्रोल जितना भी लगाए हो आप, वो भी कहां से है, फॉल प्रिवेंशन का कुछ आइडिया है ना? यस यस सर। नहीं क्या आइडिया है, तो आइडिया तो बताओ, फॉल प्रिवेंशन में आप कौन सा चीज को आप फॉल प्रिवेंशन का बोल रहे हो, क्या चीज होगा जो फॉल प्रिवेंशन है? मैं बता तो दिया आपको, साइट जिस ब्लॉक पे काम, जिस साइट पे काम करना है उस साइट को प्रॉपर देख लेंगे कैसा है वहां पे, हाउसकीपिंग, लाइटिंग, अगर नाइट में काम चल रहा है। फॉल प्रिवेंशन में आप कौन सा चीज को कंसीडर कर रहे हो वो आपको समझना जरूरी है। जॉब से पहले प्री प्लानिंग करते हैं, क्या प्री प्लान करते हो, सबसे बड़ा चीज वही होता है, आपको कौन से फैक्टर में लेके जाना है। वर्किंग एट हाइट का हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप फॉल प्रिवेंशन के बारे में अगर तुमको कोई पूछेगा कि क्या क्या करते हो भाई, पहला चीज है आपको देखना पड़ेगा कि भाई सेफ एंड फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेफ एंड फ्री एनवायरनमेंट कैसे होगा, वो एरिया में आप जाओगे देखोगे भाई कौन सा हजार है कहां से, आपको हजार आइडेंटिफिकेशन पहले कर लेते हो, जो आपको बनाते हो MSRA हीरा फीरा वो सब कहाँ लेके जाते हो, किस में रहता है वो सब, तुम्हारे फॉल प्रिवेंशन का डॉक्यूमेंट है वो, जो SOP है वर्किंग एट हाइट का वो कहाँ कहाँ है, फॉल प्रिवेंशन में तो लेके जाते हो, चिमनी में तुम लोग जो लगाए हो स्काई क्लाइंबर वो क्या है, स्कैफोल्डिंग का पूरा चीज स्ट्रक्चर लेके खड़ा कर ले तो क्या है, जो प्लानिंग स्टेज में आप लोग जितना चीज कर लेते हो ना, जो सोच लो काम तो बाद में होगा, हम बैठ के अगर मुझे कोई साइट चलाना है तो वर्किंग एट हाइट का कोई ओवरऑल चीज तो मैं लेता हूँ ना पहले, क्या लेता हूँ, हर चीज में देखता हूँ कि मुझे सेफ वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, कि भाई मुझे चारों तरफ चार पांच लाइट मास्टर लगाना है काम शुरू करने से पहले, ठीक है वो लेता हूँ भाई, और पूरा एक प्रोसीजर बनाता हूँ, SOP बनाता हूँ वर्किंग एट हाइट का, MSRA उसके लिए क्या रहेगा, हीरा कैसे बनाता हूँ, पहले तो बनाता हूँ ना ये सब, काम करने के बाद ही बनाता हूँ क्या, नहीं पहले काम, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इंजीनियरिंग कंट्रोल ये सब आता है फॉल प्रिवेंशन का, सबसे बड़ा चीज ये क्या होता है प्रोएक्टिव अप्रोच में हमको किया जाता है, ठीक है फॉल प्रिवेंशन, ठीक है समझ में आ रहा है, ये हो गया फॉल प्रोटेक्शन। ठीक है फॉल प्रोटेक्शन क्या है, क्या लग रहा है आपको फॉल प्रोटेक्शन है क्या, क्या लगता है फॉल प्रोटेक्शन है, काम करते समय जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं एडिशनल सेफ्टी बेल्ट हो गया, हम लोग अपने सुरक्षा के लिए लेते हैं ये बीज और सेफ्टी बेल्ट लाइफ लाइन या एडिशनल जो अलग से हम लोग यूज करते हैं, हमको फॉल से प्रोटेक्ट होने के लिए जितना सामान हम यूज कर रहे हैं वो फॉल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब हम खुद के लिए जो प्रोटेक्शन लेते हैं वो होता है फॉल प्रोटेक्शन, यही है ना फॉल प्रोटेक्शन। अगर देखोगे भाई कितना क्या है फॉल प्रोटेक्शन में, क्या क्या रहता है किसी को आइडिया है, क्या रहता है अब समझ रहे हो, मैं पूछा फॉल प्रोटेक्शन में क्या रहता है, आप चालू कर दिए कि हम क्या लेते हैं
रिट्रैक्टेबल, फॉल अरेस्टर, लाइफ लाइन, वो लाइन, ये लाइन सब लेते हैं, यही लेते हैं ना। फिर बेस आपको पता नहीं है, इसीलिए आप एक ही लाइन में सब गा रहे हैं, ठीक है। तो फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है, दो टाइप का होता है, क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन, क्या होता है एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन, और एक होता है पैसिव फॉल प्रोटेक्शन, क्या होता है फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है एक्टिव पैसिव, एक होता है पैसिव। पहले हम डिस्कशन करेंगे पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है, जहां ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, ह्यूमन का एक्शन जरूरत नहीं करने के लिए, ठीक है, वो होता है पैसिव। एग्जांपल, ह्यूमन का इंटरफेरेंस जहां नहीं रहता है, एग्जांपल कैसे रहेगा, गार्ड रेल, ह्यूमन का पहन के जाता है गार्ड रेल नहीं, नहीं जाता है ना। ह्यूमन का इंटरफेरेंस जहां नहीं रहता है जो प्रोटेक्शन सिस्टम में, वो होता है पैसिव। क्या क्या हो सकता है आपका पैसिव में, आपका क्या रहता है, गार्ड रेल रहता है ना, यस सर, सेफ्टी नेट रहता है, यस सर, यही रहता है ना, yes, सेफ्टी नेट रहता है आपका, गार्ड रेल रहता है, और क्या क्या इक्विपमेंट लेते हो आप लोग, और क्या क्या लेते हो, बेसिकली आप देखे हो ना, जहां ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, मैं बोला जैसे हो गया गार्ड रेल, सेफ्टी नेट, इस टाइप का और जो आइटम आता है, आपको कभी कभी फील हुआ है जो फॉल प्रिवेंशन जो हमने बताया था उसको ये थोड़ा लिंक करता है, नहीं लगा, तो फॉल प्रिवेंशन में बताया था उसको ये थोड़ा लिंक नहीं करता, यस यस करता है, क्योंकि प्री प्लानिंग ही रहता है, जॉब करने से पहले प्री प्लानिंग नहीं रहता है, हमारे पास ये गार्ड रेल उसके साथ थोड़ा सा लिंक रहता है, मगर ये क्या है, किसके अंदर है, प्रोटेक्शन के अंदर है, आप समझ रहे हो। तो प्रोटेक्शन में गार्ड रेल देते हैं हम लोग, सेफ्टी नेट लगाते हैं, और आपको कहां कहां एंकरिंग पॉइंट देना पड़ता है, नहीं देते हो एंकरिंग पॉइंट, कहां बेल्ट फंसाएगा, ये सब काम के लिए कराते हो ना, वो होता है पैसिव प्रोटेक्शन, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, आप समझ रहे हो, वो होता है पैसिव फॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी क्या होगा, एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन। एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जहां ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहता है, समझ रहे हो, ह्यूमन का एक्शन जुड़ा रहता है जिसके साथ, वो होता है एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन। एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन में क्या रहता है भाई, कुछ आइडिया है, एक होता है, नाम सुनो पहले, पी एफ ए एस, ये नाम सुने हो, पी एफ ए एस क्या है, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, एक रहता है फॉल रिस्ट्रेंट, क्या है फॉल रिस्ट्रेंट, क्या रहता है फॉल रिस्ट्रेंट, और एक रहता है पोजीशनिंग डिवाइस, क्या रहता है पोजीशनिंग सिस्टम या डिवाइस, कुछ भी है आप ले सकते हो, जैसे आप बता रहे थे ना मुझे फॉल प्रोटेक्शन में क्या रहेगा सर, फुल बॉडी हार्नेस रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, हजार चीज रहेगा, सब चीज सबका अलग अलग मतलब क्राइटेरिया में आएगा वो, ठीक है। जैसे फुल बॉडी हार्नेस कहाँ आएगा, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम में आपका टोटली फुल बॉडी हार्नेस आएगा, ठीक है। फुल बॉडी हार्नेस के साथ आपका पर्सनल फॉल अरेस्टर किसको बोलते हैं, जैसे कोई कोई
हार्नेस आ रहा है, थोड़ा सा सिर्फ हार्नेस आ रहा है yes, और उसको जॉइंटर वाला जो आता है कि उसका लानियर अलग रहता yes, है, सब अलग अलग आता है ना yes, yes, ठीक है, तो फुल बॉडी हार्नेस हार्नेस रहता है, उसका जॉइंटर भी रहता है yes, उसका आपका फॉल अरेस्टर भी अलग रहता है, स्नैप हुक अलग रहता है, ठीक है। तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम में क्या रहता है, आपका हार्नेस रहता है, ठीक है, क्या रहता है, हार्नेस रहता है, और क्या रहता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, आपका शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर रहता है ना यस सर, शॉक ऑब्जर्वर रहता है, स्नैप हुक रहता है, ठीक है। हमेशा पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम जब लगाते हो, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस आप लगाते हो, उसमें एक देखो कहाँ लिखा होगा कि भाई ये जहाँ लगाओगे कम से कम उसका जो जहाँ से आप उसको एंकरिंग करोगे, एंकरिंग पॉइंट मिनिमम मिनिमम 15 किलो न्यूटन होना चाहिए, मतलब 1530 किलो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम कितना, मिनिमम 15 किलो न्यूटन होना चाहिए। मगर हम पढ़े हैं अगर कोई बंदा अगर लटकेगा कितना लोड आएगा, 2,275 किलो, मतलब 5,000 LBS आता है ना पाउंड में आता है। तो मैं क्या बोला, मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 किलो न्यूटन होना चाहिए। ये पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो वो क्राइटेरिया में रहना चाहिए, जहां फंसा रहे हो उतना होना चाहिए। ये कहां आ गया, जितना आप बता दिए जो फुल बॉडी हार्नेस वो जितना चीज आप देख रहे हो कहाँ आ रहे हो, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। अभी अलग अलग वे में नहीं बताओगे ना, नहीं, नहीं, आपको सेग्रीगेट वे में आ गया ना। फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम क्या है, फॉल रिस्ट्रेंट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, आप सोच लो गिर गए हो, क्या हुआ, ऑलरेडी गिर गए हो, यहां से यहां एक ओपनिंग है, मैं अगर ऑलरेडी गिर गया हूं तो मैं जो इक्विपमेंट पहना हूं वो मुझे बचाएगा, वो होता है फॉल अरेस्ट, गिरने नहीं देगा। मतलब सोच लो 5 मीटर के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, यहां से बंदा अगर गिरता है यहां नीचे 10 मीटर में नीचे जमीन है, ठीक है, तो ये अगर गिर जाता है तो ये जमीन में गिरने नहीं देगा। जो हम अरेस्ट सिस्टम पहने होंगे कम से कम जमीन से ऊपर हमको बचा लेगा, ये लेवल में, समझ रहे हो मैं क्या बोला, उसको बोलते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम, इसीलिए तो पहने हैं ना, गिरने के बाद ही हमको काम देगा ना वो, ऐसा नहीं कि हमको गिरने से रोक पाएगा, आप समझे, गिरने के बाद हमको काम देगा, उसको बोलते हैं पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, इसीलिए लगा जाते हैं। फॉल होने के बाद आपको क्या देगा, सेफ्टी देगा, क्यों लटक के रखेगा। मगर जो फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम है आपको गिरने नहीं देगा, दोनों में डिफरेंस समझे। सबसे बड़ा सबको क्या लगता है, हम ऐसा ही बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या है, फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम क्या है। फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या है, गिरने के बाद जो सेफ्टी देगा, जैसे हमको बचाएगा, जैसे जमीन में हम नहीं गिरेंगे, बेल्ट पहने, इसका मतलब क्या, जमीन में गिर जाएंगे कहां, तो आके लटकेंगे ना, इसका नहीं, जमीन में गिर जाएंगे। फॉल होने के बाद ये हमको प्रोटेक्ट कराता है, मगर फॉल रिस्ट्रेंट क्या है, हमको गिरने नहीं देगा। उसी टाइप का एग्जांपल क्या है, आप सिटिंग वर्क कर रहे हो, क्या किए हो, SRL लगा दियो, क्या लगा दियो, नया नया वर्ड कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं, वैसे मुझे मुंह में देख रहे हैं, SRL क्या है, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन, किसको बोलते हो, जिसको बोलते हो रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन। आदमी लेके काम करता है ना सिटिंग फिटिंग में, पीछे से रहता है वो, जहां थोड़ा सा फोर्स आया वहां स्टॉप हो गया, समझ गए, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे, कौन सा चीज नहीं समझा तुम बता, कहां नहीं समझे तो बता, फॉल रिस्ट्रेंट समझा, फॉल रिस्ट्रेंट किसको बोलते हैं समझा, फॉल रिस्ट्रेंट का मतलब आपको गिरने नहीं देगा। फॉल अरेस्ट का सिस्टम अगर आप गिर गए हो
वो आपको कैसे सेव करेगा। रिस्ट्रेंट का मतलब गिरने नहीं देगा, रिस्ट्रेंट करके रखेगा, ठीक है। रिस्ट्रेंट में कैसे, एग्जाम्पल इसको कैसे, सोच लो कोई ओपनिंग के पास आप काम कर रहे हो, पूरा ओपनिंग है वो साइड में आप काम कर रहे हो, सोच लो आप काम कर रहे हो सिटिंग में, सिटिंग के पास काम कर रहे हो, सिटिंग में काम करने के लिए क्या करते हो आप लोग, रिट्रैक्टेबल फोल्ड अरेस्टर लगाते हो ना। इसका मतलब क्या है, जितना दूर जाओगे सोच लो मैं गिरने के लिए आऊंगा, कुछ तो फोर्स अगर पड़ जाएगा वो क्या होगा, लक हो जाएगा, मुझे गिरने देगा क्या, गिरने देगा नहीं देगा। आपको गिरने दिया क्या वो, नहीं दिया ना, वो होता है रिस्ट्रेंट। मैं जो बताया एसआर मतलब सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन, जो हम फॉल अरेस्टर बोलते हैं उसको एमएनसी लोग यही बोलते हैं, ठीक है। फॉल रिस्ट्रेंट फॉल अरेस्ट के बीच में डिफरेंस आपको पता चला, पता चला या नहीं चला? फॉल अरेस्ट सिस्टम में तुम्हारा ये रहेगा, अरेस्टिंग सिस्टम रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ये होने के बाद ये सब पहनने के बाद एक्स्ट्रा क्या दोगे, तो जो रिस्ट्रेंट करेगा आपको, रिस्ट्रेंट कैसे कर रहे हो आप, रिट्रैक्टिव लगा रहे हो ना, कब लगा रहे हो, जब बेल्ट फेल्ट सब पहनोगे, फुल बॉडी हार्नेस पहन के इसको पहनते हो ना, तो रिस्ट्रेंट के अंदर ये भी आ रहा है, समझे नहीं समझे, आइडिया आ रहा है अभी। फॉल अरेस्ट सिस्टम पहन के इसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, अगर इसमें वो दो चीज लगा दूंगा तो सब कुछ में आ जाएगा। जैसे तुम्हारा क्या होता है, लाइफ लाइन लगाते हो, लाइफ लाइन जैसे एसआरएल बोला मैं, ठीक है, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन जो होता है, ठीक है, रूप भाई, ठीक है। कौन सा पोजीशनिंग डिवाइस, मुझे बताओ पोजीशनिंग डिवाइस क्या है, मतलब कहाँ यूज होता है, मैं तो बता दिया वर्क पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, वो कहाँ यूज करते हो आप, पोजीशनिंग का डिवाइस का मतलब उसको पहनने के बाद ना आपका दोनों हाथ को फ्री करके आप काम कर सकते हो, वही होता है पोजीशनिंग, आप समझे। पोल वगैरह में चढ़ते हो, पोल वगैरह में चढ़ते हो, और कहाँ चढ़ते हो आप, पेंटिंग कैसे करते हो, करम का देखे हो ना, पहन के पूरा झूल कर रह के दोनों हाथ में मारते रहते हैं, देखे हो नहीं देखो, वो किस में आएगा, वर्किंग आटा हेड में नहीं जा रहा है, तुम इंटरव्यू में बता रहे हो उसको, नहीं बता रहे हो ना, किसमें आएगा। पोजीशनिंग डिवाइस का मतलब आप दोनों हाथ खाली काम करने के लिए, काम कैसे करोगे, पोजीशनिंग डिवाइस लगाओ। एयरपोर्ट में मिरर साफ करता है बंदा, झूल के ऐसे झूल के लगा देता है और साफ करते रहता है, सबको ही देखा है ना भाई, वो होते हैं पोजीशनिंग डिवाइस, आप समझ रहे हो। पोजीशनिंग डिवाइस में स्काई क्लाइंबर, स्काई क्लाइंबर मैं क्या बोला, पोजीशनिंग डिवाइस में स्काई क्लाइंबर कहाँ, स्काई क्लाइंबर में खड़ा रहते हो ना तुम, उसको तो अलग सिस्टम है, वो प्लेटफॉर्म है, वो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है, समझे नहीं समझे, वो तो इंजीनियरिंग डिवाइस हो गया आपका, वो तुमको लगा रहे कहाँ, लगा रहे हो क्या, नहीं लगा रहे हो ना, वो तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे स्कैफोल्डिंग जैसा, ठीक है, क्या हो गया, समझे नहीं समझे, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, तुम उसमें स्काई क्लाइंबर में काम करने के लिए ये भी तो पहनते हो, ये पहनते हो नहीं पहनते हो, स्काई क्लाइंबर में काम करने के लिए पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम पहनते हो नहीं पहनते हो, पहनते हो, ये भी फॉल रेस्टेंट लगाते हो, लगाते हो नहीं लगाते हो,
असेंडर डिसेंडर yes. नहीं लगाए हो yes. सेकेंडरी प्रोटेक्शन नहीं दिए हो yes. लगाते हो yes. और फिर वो तो अलग एक सिस्टम है ना, आप समझे क्या है वो अलग सिस्टम है yes. समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझे। क्लियर हुआ? हाँ। उसमें उसके बाद आप इसमें डाल सकते हो कि भाई आप जो लाइफ लाइन लगाते हो ठीक है, ये सब रहेगा इसमें नॉर्मली, आप समझ रहे हो? yes. क्लियर हुआ? हाँ सर। बेसिक में बताया, पढ़ाना है आप लोग पढ़ लेना। मेन चीज है एक फॉल प्रिवेंशन है, एक फॉल प्रोटेक्शन है। फॉल प्रिवेंशन क्या होता है? आपका कंपनी का कल्चर, क्या कल्चर लिए हो? बीबीएस कल्चर इंप्लीमेंट हुआ है, वर्किंग एट हाइट में आदमी काम कर रहा है, उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं ना हम लोग। आदमी गलती करने का रीजन, वर्किंग एट हाइट में गलती करने का रीजन बीबीएस से भी आता है। हमारा सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट किया है, किया है तो कितना लेवल तक किया है, ठीक है? आप समझे या नहीं समझे? फॉल प्रिवेंशन में आपका प्रोसीजर, कंपनी का पॉलिसी क्या है, आप क्या सेफ एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड किए हो, क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल आपको प्रोवाइड किए हो, क्या इंजीनियरिंग सिस्टम आप दिए हो, क्या सेफ वर्क एनवायरमेंट आप प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग वगैरह सारा, क्या प्रोएक्टिव अप्रोच में सोच के रखे हो चिमनी पेंटिंग करेंगे, यही होता है फॉल प्रिवेंशन। क्लियर सी वर्ड में बताए फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है? आपको बचाने के लिए जो सिस्टम लगता है वो सब फॉल प्रोटेक्शन है, ठीक है? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल प्रोटेक्शन भी सेम टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन, एक होता है पैसिव फॉल प्रोटेक्शन। पैसिव क्या है? जहां ह्यूमन का एक्शन इन्वॉल्वमेंट जीरो है। एक्टिव क्या है? जहां ह्यूमन का एक्शन लग जाता है, इन्वॉल्वमेंट लग जाता है, वो होता है एक्टिव है। पैसिव में आपको तो ले सकते हो, पैसिव में जैसे बताया कि पैसिव जैसे फॉल प्रिवेंशन जैसा हमको लगता है थोड़ा सा कि गार्ड रेल होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में भी अलग है। एक्टिव में आपको देखना है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पीपीएस जिसको बोल पीएफएस बोलते हैं, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। उसमें क्या रहता है? आपका फुल बॉडी हार्नेस रहता है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, शॉक अब्जॉर्बर बोलते हो, स्नैप हुक बोलते हो, और तुम्हारा जो एंकरिंग उसी में भी आपका वो सब आ जाता है कि 15 मिनिमम 15 किलो न्यूटन होना चाहिए, 1530 किलो होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या हुआ है? ये क्या होता है फॉल अरेस्ट सिस्टम? कब यूज, कहाँ यूज करते हैं? फॉल को रोक नहीं पाएगा, फॉल होने से वो बचाएगा, मतलब फॉल होने के टाइम आपको बचाएगा जमीन में पटकाने से पहले, समझ रहे हो? फॉल में ये आपको प्रोवाइड करेगा सेफ्टी। फॉल रेजिस्टेंट क्या है? आपको गिरने नहीं देगा, ये गिरने के बाद एक्ट होगा, ये गिरने नहीं देगा आपको। जो सिस्टम आप किए हो वो सब आपको पता है जी, हम लोग कौन सा अपना कंपनी में क्या करते हैं आपको तो दिख रहा है सब। पोजीशन में आपको समझ में आ गया, समझ रहे हो? आपको थोड़ा लगा होगा पेंटिंग के साथ आप स्काई क्लाइंबर को जोड़ रहे थे, यही है ना, स्काई क्लाइंबर तो एक प्लेटफॉर्म हो गया। पेंटिंग अगर जैसे करम फॉर्म ऊपर में लटका के उसी में बंदा बैठ के दो हाथ में मारता, वो होता है पोजीशन। क्लियर सबको? क्लियर? वर्किंग एट हाइट में कुछ छोड़ दिया हूँ जिसके अंदर तुम लोग जितना बोल रहे थे नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें कोई बड़ा चीज था इसमें? नहीं। प्रोसेस पता करो पहले, बोलोगे कैसे? आप लोग क्या करते हो, जितना चीज पता है उसको इतना भाई कौन समझेगा? आप इंटरव्यू में ऐसे टाइप का बताओ ना, वही तो समझे, दोबारा वो सोचेगा क्या पूछे इसको, समझे या नहीं समझे? क्लियर? फिर डाउट है तो पूछ लो, फिर बता सकता हूँ। यहां से क्लियर होके जाके फिर भूल जाओगे तुम लोग। कभी कभी वर्किंग एट हाइट में कोई टेक्निकल
सवाल कुछ पूछ लेता है कि भाई चिमनी 200 मीटर है, अगर चिमनी से